सुखी वैवाहिक जीवन के 11 रहस्य, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोग पूछते हैं कि भाई हमारा सेक्स लाइफ ठीक नहीं है, कैसा अच्छा हो जाएगा, गोलियाँ कितने दिन लेनी पड़ेंगी, आदत लग जाएंगी क्या, फिर गोलियों से काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते रहते हैं। तो फिर उनके लिए मैं बोलता हूँ कि भाई आपको सेक्स हाइजीन यदि आप रखते हैं या जिस तरह से सेक्स करना चाहिए उस तरह से आप सेक्स करते हैं तो आपको गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर पूछते हैं भी क्या करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है। एक है, नंबर एक, कि इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग सेक्स पार्टनर इज द बेस्ट सेक्स टॉनिक, ऐसा कहा गया है कि जो इंटरेस्ट लेने वाली पार्टनर है और जिसमें इंटरेस्ट आप ले सकते हो ऐसी, तो वो बेस्ट सेक्स टॉनिक होता है, नंबर एक। नंबर दो, आप जब बेड पे जाते हो तो आपका ड्रेस बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि कोई आप शादी पे जा रहे हैं, नहीं तो दिन भर के मैले कपड़े, कपड़ों को पसीने का बास आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे ही आपका कमरा साफ सुथरा होना चाहिए, बेडशीट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो बहुत ही वो जरूरी है कि आप वो वातावरण निर्मित करते हैं। नंबर तीन, आप स्नान करके जाते हो ताकि आपके बदन को बदबू आ सकती है, पसीना आया हुआ है या बास आ रहा है कुछ, तो वो भी आपको स्नान करके जाना है ताकि फ्रेश लगेगा आपको भी और सेक्स भी अच्छा होगा, वो पार्टनर को भी अच्छा लगेगा। चौथा जो है वो ब्रश करके आपने जाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि यदि आपने प्याज लहसुन वगैरह ऐसा अदरक वगैरह ऐसा कुछ खाना खाया और आपको फिर आप बेड पे जाते हो तो आपको ब्रश करके गए तो वो बेड पर वो वैसा बास नहीं आएगा, मुंह का बास नहीं आएगा, तो वो ब्रश करके जाना जरूरी है। फिर नेक्स्ट, आपने तंबाकू, सिगरेट और शराब इसका व्यसन करते तो उसका सेक्स के ऊपर असर पड़ता है, तो फिर वो जो है वो आपने टालना चाहिए, वो बंद करना जरूरी है। नंबर छः जो है वो आपका यदि पति पत्नी का या पार्टनर का झगड़ा हो रहा है, तू तू मैं हो गई, डिबेट हो गया, झंझट हो गई, कुछ तभी एक दूसरे को कुछ तभी दोषी ठहराया है, कुछ तभी ऐसा क्वारलिंग किया, तो फिर वो सेक्स के ऊपर असर करता है। रात के समय तभी कम से कम 2-3 घंटा आपने बस रोमांटिक बातें करना है, अच्छी बातें करना है, एक दूसरे को पूछना है, लिसन करना है, तो वो करेंगे तो सेक्स अच्छा होगा। नंबर सात, यदि आपको थकान आई हुई है दिन भर की, कोई फिजिकल एक्सरसाइज किया है, बहुत थकान आई हुई है, या पत्नी बोल रही है कि थकान आई हुई है, तो सेक्स नहीं करना चाहिए। आठ, यदि आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस है, तनाव है बहुत ज़्यादा, और फिर वो तनाव स्ट्रेस जो है वो आपको सेक्स फीलिंग तैयार ही नहीं करता, इच्छा ही नहीं होती, तो फिर नेचुरली आपका सेक्स होगा नहीं और आपको प्रॉब्लम आ सकता है। नौ, फोर प्ले करना जरूरी है। फोर प्ले इसका मतलब पहले 5-10 मिनट 15 मिनट खेलना, इतना आप ज़्यादा खेलते हो, मस्ती करते हो, एक दूसरे को एक्साइट करते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, किसिंग करते हो, हग करते हो, सेंसिटाइज पार्ट को टच करते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है। नंबर 10, यदि आप क्लाइटोरिस और जी स्पॉट इसको स्टिमुलेट करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट स्त्री को आता है। एक्चुअली सेक्स करने से जितना आता नहीं उससे कहीं गुना ज़्यादा एक्साइटमेंट यदि क्लाइटोरल स्टिमुलेशन यदि किया तो उसमें आ जाता है। 11, आफ्टर प्ले करना जरूरी है। आफ्टर प्ले मतलब सेक्स होने के बाद में भी एक दूसरे के साथ में रहना, पूछना एक दूसरे को कि समाधान हो गया क्या, कामोपूर्ति हुई क्या, कैसा लग रहा है, और बातें करना वो जरूरी है, नहीं तो फिर स्त्री को ऐसा लगता है कि मेरा इस्तेमाल कर लिया, मेरा मुझे वापर लिया है और ये उधर मुंह करके सो गया। तो फिर ये टिप्स का आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपका सेक्स लाइफ जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, और यदि आपका सेक्स लाइफ अच्छा है तो आपका लाइफ भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।